हाई डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के यहाँ पे जो एमसीक्यू सोल्व करने के लिए जा रहे, तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 3/5 प्लस टेन इन्वर्स 1/7 इज वॉट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन π/4, π/2, π और साइन इन्वर्स 4π/5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है साइन इन्वर्स 3/5 प्लस टेन इन्वर्स 1/7। ओके भाई, साइन और टेन कैसे भी करेंगे तो भी लड़ेंगे नहीं, तो हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हम समझ लेते हैं, साइन इन्वर्स 3/5 है, इसको इज इक्वल टू हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 3/5 हुआ। ओके, तो इसके बाद जो ट्राइंगल बना दो, यहाँ पे थीटा है के? तो ऑपोजिट साइड 3 हुई, हाइपोटेन्यूस क्या हुई, 5 हुई, एडजेसेंट साइड क्या होगी, 4। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बेज ये 3 है, 5 है, तो एट क्या होगी, 4। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 आएगा। क्या आएगा, टेन इनवर्स 3/4, थीटा की वैल्यू रहेगी आपकी टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे साइन 3/5 है के? उसको मैंने क्या लिया, ओके तो सब आपका रफ वर्क रहता है, इसलिए साइन 3/5 को हम क्या लिया, थीटा लेते हैं, थीटा यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, सामने की साइड जाएगा तो 3/5। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे जो थीटा था वो क्या था, साइन इनवर्स 3/5, तो हमने थीटा को टेन में कन्वर्ट कर दिया 3/4। तो यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ओके, अब आपको एक फॉर्मूला कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो आपको यहाँ पे देखने का x इंटू वाई क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 3/4 इंटू 1/7, तो 3 × 1 = 3 अपॉन 4 × 7 = 28, तो 3/28 इज लेस देन 1। सो यही वाला फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे पुट कर दो टेन इनवर्स के एक्स प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 − 3/4 इंटू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 3 × 7 = 21, 4 × 1 = 4, तो 10 इनवर्स 21 प्लस 4 अपॉन 28, और यहाँ पे 1 − 3 × 3 अपॉन 28, 28 का यहाँ पे इसके साथ एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते, तो 10 इनवर्स 21 + 4 = 25 अपॉन 28, नीचे 28 × 28 − 3 अपॉन 28। ओके, 28 कैसे, 28 − 3 करो क्या होता है, 25 होता है ना, तो 10 इनवर्स 25 अपॉन 25 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 क्या होता है, 5/4। 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 5/4। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन करना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 21 + 4 25 / 28, यहाँ पे भी 25 / 28 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा, तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 5/4 होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।